पिच से ड्रेसिंग रूम तक की हर खबर चक दे क्रिकेट। हम सब जानते हैं कि धोनी का लकी नंबर 7 है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धोनी ने अपना लकी नंबर 7 के साथ छोड़ दिया है? 7 का साथ छोड़ते ही किस्मत ने भी छोड़ दिया है धोनी का हाथ। पूरी खबर हम बताएंगे आपको, लेकिन पहले हेडलाइंस। धोनी की टेढ़ी नजर, क्या धोनी पर है राहु की काली छाया? धोनी ने बदल दिया है घर, लेकिन जोशी धोनी के नए घर को अशुभ बता रहे हैं। इतना ही नहीं, जोशियों की माने तो 2011 तक धोनी को कई असफलताएं देखने को भी मिल सकती हैं। तो क्या माने 2020 वर्ल्ड कप में धोनी की मिली हार की वजह धोनी की किस्मत है? क्या धोनी 2011 में होने जा रहे वर्ल्ड कप से भी हाथ धो बैठेंगे? देखिए हमारे संवाददाता योगेश किश्तले की यह खास रिपोर्ट। धोनी पर शनि की काली छाया। धोनी का जो कुंडली है, उस कुंडली के अनुसार अभी राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रहा है। 2020 वर्ल्ड कप धोनी शनि की वजह से हारे। क्या टीम इंडिया 2011 वर्ल्ड कप भी हार जाएगी? गुरु और शनि युक्त होकर के दूषित हो गया है, तो इसमें इनका जो है कि नवंबर 2011 तक विवाह होने में बाधा है। महेंद्र सिंह धोनी के इस घर को देखिए, देखिए कैसे पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। ये वो घर है जिसने धोनी को जीरो से हीरो बना दिया, लेकिन अब यहां ताला लग चुका है क्योंकि धोनी इस घर को छोड़कर जा चुके हैं। धोनी अब इस नए घर में रहते हैं, लेकिन ज्योतिषियों ने इस घर को धोनी के लिए अशुभ बताया है। जिस समय में उन्होंने गृह प्रवेश किए, वो मुहूर्त अच्छा नहीं था। मैंने उस समय में राहु काल चल रहा था और उसको देखते हुए, मतलब कि वो समय वगैरह निकाल करके उसमें गृह प्रवेश करना चाहिए था। तो क्या धोनी 2020 वर्ल्ड कप अपने नए घर के कारण हारे? हम आपको धोनी के घर की दो तस्वीर दिखाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो दो तस्वीरें दिख रही हैं, वो दोनों ही धोनी के पुराने घर की हैं। लेकिन पहले ये घर काफी हरा भरा था। धोनी पहले इस घर में रहते थे। इसी घर में रहते हुए धोनी जीरो से हीरो बन गए। धोनी इस घर में रहते हुए टीम इंडिया में गए, बल्कि इसी घर में रहते हुए धोनी टीम के कप्तान बने। धोनी के पुराने घर का नंबर 25 था, जिसका जोड़ 7 आता है। धोनी 7 नंबर को काफी लकी मानते हैं। धोनी की जर्सी का नंबर भी 7 है, लेकिन धोनी अपने इस 7 नंबर वाले मकान को छोड़कर अपने नए आलीशान मकान में रहते हैं। पहले जहां धोनी का ये घर पेड़ पौधों से हरा भरा रहता था, वहां अब घास फूस रह गए हैं। क्या धोनी की किस्मत भी इसी फूल पौधे की तरह खराब हो गई है? ज्योतिषियों का मानना है कि धोनी ने अपने घर में गलत समय पर गृह प्रवेश किया, इसी वजह से धोनी की किस्मत खराब हुई है। जिस समय में उन्होंने गृह प्रवेश किए, वो मुहूर्त अच्छा नहीं था। मैंने उस समय में राहु काल चल रहा था और उसको देखते हुए, मतलब कि वो समय वगैरह निकाल करके उसमें गृह प्रवेश करना चाहिए था। ज्योतिषी तो धोनी के इस घर को इतना अशुभ मानते हैं कि उन्होंने नवंबर 2011 तक शादी नहीं करने की सलाह दी है। और नवंबर 2011 तक उनको शादी नहीं करना चाहिए। नवंबर 2011 के बाद ही उनकी शादी के लिए अच्छा समय है। हम आपको बता दें कि धोनी को भगवान पर काफी विश्वास है। धोनी जब कभी भी अपने घर रांची से बाहर जाते हैं, तो वो माँ के दरबार में माथा टेकने जरूर जाते हैं। अब देखना होगा कि धोनी अपने ऊपर शनि की महादशा को हटाने के लिए क्या उपाय करते हैं। योगेश किस्तले, इंडिया टीवी, रांची। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। वैसे इस बार धोनी ने विश्व कप के लिए रवाना होने से पहले एक और बड़ी गलती की। धोनी इस बार रांची में देवी मां के दर्शन करने नहीं गए। वैसे धोनी हर बार किसी भी सीरीज में जाने से पहले देवड़ी मां के मंदिर जरूर जाते हैं, लेकिन लगता है कि इस बार माता को भुलाना माही को काफी महंगा पड़ गया। देवड़ी मां का काली मंदिर, इस मंदिर से धोनी का लगाव काफी है। रांची से 75 किलोमीटर दूर मां के इस मंदिर के दर्शन किए बिना धोनी कोई भी काम नहीं करते। धोनी जब भी सीरीज खेलने घर से निकलते हैं, तो धोनी मां के दर्शन करने जरूर जाते हैं, और मैच जीतने के बाद भी धोनी मां के दर्शन करना नहीं भूलते।
लेकिन इस बार धोनी विश्व कप जाने से पहले इस मंदिर के दर्शन करने नहीं आए। जी हां, इस बार धोनी आईपीएल के बाद बिना मां के दर्शन किए सीधे वेस्टइंडीज रवाना हो गए। वैसे धोनी शक्तिपीठ में अक्सर आते रहते हैं। धोनी की मां के प्रति ये आस्था कहें या अंधविश्वास, धोनी के नाम पर रांची के मंदिर में बकरे की बलि दी जाती है। यहां तक कि आईपीएल के पहले भी धोनी यहां मां का आशीर्वाद लेने आए थे। सीरीज हो या कोई शुभ काम, धोनी मां के दरबार में चुनरी चढ़ाना और नारियल फोड़ना नहीं भूलते। और सीरीज जीतने के बाद भी धोनी मां का धन्यवाद जरूर करते हैं, लेकिन इस बार धोनी ने ऐसा नहीं किया। इतना ही नहीं, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि पिछले साल भी 2020 विश्व कप में धोनी यहां आना भूल गए थे और नतीजा ये रहा कि 2009 के विश्व कप भी टीम इंडिया शर्मनाक तरीके से हार कर बाहर हुई थी। वैसे आपको ये भी बता दें कि दोनों ही सीरीज से पहले धोनी के मंदिर में दर्शन ना कर पाने की वजह कहीं ना कहीं आईपीएल रहा है, क्योंकि आईपीएल की वजह से टीम इंडिया का शेड्यूल इतना व्यस्त हो गया कि धोनी को समय ही नहीं मिला कि वो अपनी मां का आशीर्वाद ले सकें। इसे अंधविश्वास कहें या आस्था, लेकिन दोनों ही बार मां को भूलना मां ही को महंगा पड़ गया। योगेश किसलय, इंडिया टीवी, रांची। धोनी खुद भी वास्तु से लेकर ज्योतिष पर पूरा विश्वास रखते हैं। धोनी अपने लिए 7 नंबर को भी बहुत ज्यादा लकी मानते हैं। यही वजह है कि गाड़ी से लेकर घर तक और मैदान में कपड़ों से लेकर मैदान तक हर जगह धोनी 7 नंबर नहीं छोड़ते। धोनी का नंबर प्रेम। 7 जुलाई महेंद्र सिंह धोनी के जन्म की तारीख। अंक ज्योतिष के मुताबिक धोनी को जीत दिलाता है 7 नंबर। 7 के अलावा धोनी का एक और फेवरेट नंबर है, नंबर 2। अंक ज्योतिष में 2 होता है चंद्रमा का नंबर और 7 नंबर है केतु का। ये दोनों ही धोनी पर मेहरबान हैं। धोनी के घर का नंबर 7। धोनी ने जो नया घर लिया है उसे अभी नंबर नहीं मिला है, जबकि धोनी जिस पिछले घर में रहते थे उसका नंबर 25 था, यानी कि 2 और 5 को मिलाकर 7 नंबर हो जाता है। धोनी की जर्सी का नंबर 7। धोनी भी जानते हैं कि 7 नंबर हमेशा से ही धोनी के लिए लकी रहा है। यही वजह है कि धोनी ने अपनी जर्सी का नंबर 7 रखा। जी हां, टीम इंडिया के कप्तान साहेब हमेशा से ही 7 नंबर की जर्सी पहनते आए हैं और इसी जर्सी को पहनकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ी हैं। साल 2007 में ही धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। धोनी की गाड़ी का नंबर 7। धोनी अपने लिए 7 नंबर को सबसे ज्यादा लकी मानते हैं। यही वजह है कि धोनी ने अपनी सारी गाड़ियों के नंबर भी 7 दे रखे हैं। धोनी ने कई बार 7 नंबर लेने के लिए अलग से आवेदन किया और इसके लिए हमर जैसी गाड़ी को करीब 2 महीने तक घर से नहीं निकाला, जब तक कि उसमें 7 नंबर की प्लेट नहीं लग गई। अब एक राज की बात आपको बता दें, धोनी 7 नंबर का लॉकेट हमेशा पहनते हैं। इसी 7 नंबर ने धोनी की किस्मत रातों रात बदल दी थी, यानी कि धोनी भी मानते हैं कि 7 नंबर हमेशा से ही धोनी का साथ देता रहा है। अब देखना यह है कि इस बुरे वक्त में धोनी का ये लकी नंबर धोनी का कितना साथ देता है। काश सेलेक्टर्स भी साथ होते। ये तो थी कप्तान धोनी की बात। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मैच फिक्सिंग का जिन एक बार फिर से बाहर आ चुका है, हैरानी नहीं होगी, नाम पाकिस्तान का ही सामने आ रहा है। आपको ये खबर हम दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्रिकेट की सबसे काली खबर, इस खबर ने क्रिकेट को हिला दिया है। मैच फिक्सिंग का जिन एक बार फिर से बोतल से निकल चुका है और एक बार फिर से शक की सुई पाकिस्तानी क्रिकेटरों पर गई है।
ऐसा पहली बार हुआ है कि मैच फिक्सिंग मामले में किसी क्रिकेट खिलाड़ी की गिरफ्तारी हुई है। कल रात लंदन में पाकिस्तानी खिलाड़ी दानिश कनेरिया को पुलिस ने मैच फिक्स करने के मामले में गिरफ्तार किया। कनेरिया के साथ तेज गेंदबाज मर्विन वेस्टफील्ड भी गिरफ्तार किए गए। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार एसेक्स के दोनों क्रिकेटर से कल ब्रेंटवुड पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई। कनेरिया पर आरोप है कि पिछले साल सितंबर में डरहम के खिलाफ एसेक्स के 40 ओवर के एक मैच में कनेरिया ने मैच फिक्सिंग की थी। हालांकि गिरफ्तार कर पूछताछ करने के बाद कनेरिया को 15 सितंबर तक जमानत पर छोड़ दिया गया है, लेकिन कनेरिया पर लंदन की ब्रेंटवुड पुलिस अपनी नजर बराबर रखे हुए है। क्रिकेट में फिक्सिंग का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि अब ये इंटरनेशनल मैच से होता हुआ क्लब के स्तर तक पहुंच चुका है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मैच फिक्सिंग का मसला पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के दौरे के साथ जुड़ा था। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट और वनडे सीरीज में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तानी टीम पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे थे, जिसके बाद पीसीबी ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर गाज गिराई थी। लेकिन इसके बाद पीसीबी ने खिलाड़ियों को टीम में चुनते हुए खुद अपने फैसले का माखौल उड़ाया था। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान खुद कप्तान यूनिस खान कैच टपकाने के कारण शक के घेरे में आ गए थे, लेकिन इस बार विदेशी धरती पर पाकिस्तानी खिलाड़ी दानिश कनेरिया की गिरफ्तारी के बाद आईसीसी भी सचेत हो गई है। वैसे आईसीसी ने इस पूरे मसले को काफी गंभीरता से लिया है और दानिश कनेरिया पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। लेकिन इससे बड़ा सवाल कि क्या क्रिकेट में मैच फिक्सिंग लौट आई है? पहली बार मैच फिक्सिंग का ये जिन सामने आया ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहली बार मैच फिक्सिंग के चलते इनको फिक्स कर दिया पुलिस ने, ये जरूर है। आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 2020 विश्व कप के फाइनल में भिड़ने वाली है। इस मैच के बारे में हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों ही देश पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे हैं। एक तरफ जहां इंग्लैंड के पास पहली बार वर्ल्ड कप जैसे बड़े खिताब को हासिल करने का मौका होगा, वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 फॉर्मेट में अपनी बादशाहत काम करने का सबसे बड़ा चांस है। T20 का एशेज, एक 128 साल पुरानी लड़ाई, आज होगा महामुकाबला। आज बाबाडोस के मैदान पर 2020 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला एशेज से कम नहीं होगा। 128 साल पुरानी लड़ाई का एक नया रूप जरूर होगा, लेकिन खिलाड़ियों के अंदर वही आग होगी और जीत का वही जज्बा होगा। ऑस्ट्रेलिया है तैयार। इस टीम ने वर्ल्ड कप में अब तक एक भी मैच नहीं हारा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 10 T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया का सबसे खराब मैच न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, जो एक टाई मैच था। टीम के बेहतरीन प्रदर्शन का श्रेय इनके खिलाड़ियों को जाता है। माइक हसी ने इस वर्ल्ड कप में 85 के औसत से रन बनाए हैं और इनका स्ट्राइक रेट 176 का है। और फिर सेमीफाइनल में हसी के शानदार प्रदर्शन को भला कौन भूल सकता है। हसी के अलावा शेन वॉटसन और कैमरून व्हाइट के बल्ले खूब रन उगल रहे हैं। वहीं गेंदबाजी में डर्क नेनेस टूर्नामेंट में सबसे सफल गेंदबाज के तौर पर उभरे हैं। साथ ही मिचेल जॉनसन और नए फिरकी गेंदबाज स्टीवन स्मिथ ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। We need to be at our best, no doubt. I think we probably weren't at our best against Pakistan in the field and with the ball. And our top order batting wasn't at its best either. So we can certainly improve from the other day. But in saying that, I think over this whole tournament we've been playing some fantastic, you know, 2020 cricket. And I guess for, you know, we have a meeting this afternoon. For me, it'll be very simple. My message to the guys will be: come out here and enjoy what's going to be a fantastic game. England se bach ke T20 World Cup mein chupa rustam bankar nikli hai England team. Shuruati jhatke ke baad is team ne lagatar match jeete. Super 8 mein inhone New Zealand, Dakshin Afrika aur Pakistan ko haraya. और फिर सेमीफाइनल में श्रीलंका से 7 विकेट से बड़ी जीत हासिल की। लेकिन इंग्लैंड मत भूलें आप, हंसी तो फंसी। वक्त एक ब्रेक। समय के मुताबिक रात के 9 बजे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 2020 का मुकाबला शुरू होने जा रहा है। यह मुकाबला इंग्लैंड के लिए काफी अहम है, क्योंकि क्रिकेट के
जन्मदाता देश इंग्लैंड कोई भी बड़ा टूर्नामेंट अभी तक नहीं जीत सका है। 1992 से लेकर अब तक इंग्लैंड की टीम केवल 3 बार आईसीसी के किसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। 1992 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया था। और स्पोर्ट्स और क्रिकेट की दिलचस्प खबरों और चटपटी बातों के लिए आप लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट, एड्रेस जरा ध्यान से देखें www.indiatvnews.com। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद टॉप 10 रिपोर्टर्स।